स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर परिषद क्षेत्र में करोड़ों की लागत से बनाए गए 7 सामुदायिक शौचालय लोकार्पण के बाद भी स्वयं ही स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि 18 फरवरी को नगर परिषद सभागार में क्षेत्र के विधायक एवं सांसद के हाथों आनन फानन में नगर परिषद प्रशासन ने नव निर्मित सामुदायिक शौचालयों की पट्टिकाओं का एक साथ लोकार्पण करवाकर वाहवाही लूटी थी। जहां एक तरफ इस मामले पर विपक्ष चुप्पी साधे हुए है, वहीं स्थानीय लोगों सहित भाजपा के ही पार्षदों एवं नेताओं का कहना है कि विधायक एवं सांसद को बिना वास्तविकता से अवगत कराए दोनों जनप्रतिनिधियों को अंधेरे में रखते हुए बदहाल स्थिति में तैयार शौचालयों का लोकार्पण करवाया गया है। 2 सप्ताह के बाद जब सवाई माधोपुर ऐप टीम ने सामुदायिक शौचालयों की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की तो शौचालयों की स्थिति बदहाल मिली। मामले को लेकर जब हमने नगर परिषद सभापति से बात की तो उन्होंने कहा, लोकार्पण करवाना अलग बात है और व्यवस्थाएं करवाना अलग। दर्शकों को वार्ड वाइज वास्तविकता से अवगत कराते हुए दिखाना चाहते हैं सामुदायिक शौचालयों की वास्तविक रिपोर्ट। ये अमृत योजना के तहत भारत सरकार के द्वारा ये शौचालय बने हैं। एक शौचालय की इस कॉम्प्लेक्स की कीमत लगभग 15 से 16 लाख रुपए है। इसका लोकार्पण नगर परिषद की चेयरमैन विमला शर्मा ने स्थानीय विधायक और सांसद को बुलाकर नगर पालिका से इसका लोकार्पण करवा दिया। वो गलत था, जबकि वास्तविकता ये है कि अभी इसमें बहुत कमियां हैं। बोरिंग लगी है पर लाइट का कनेक्शन नहीं है, पानी सप्लाई नहीं है और भी छोटे मोटे कई काम बाकी शेष है। इसके लिए हमने वहाँ के आयुक्त को और चेयरमैन को बहुत पहले अवगत करा दिया कि इसकी ये कमियाँ दूर करें, परंतु चेयरमैन ने हमारी विधायक को और सांसद को गुमराह करके और वहीं से नगरपालिका में एक प्रोग्राम था और वहीं से इसका लोकार्पण करवा दिया। ये गलत है, वास्तविकता में ये आज भी चालू नहीं है। इसमें तारे लटके हुए हैं, न पानी का कनेक्शन है, न छोटी मोटी जो अंदर और कमियाँ हैं वो भी ठेकेदार के द्वारा पूरी की गई है। इसके लिए हमने सांसद को विधायक को जब बताया तो उन्होंने हमको कहा कि हमको तो चेयरमैन ने बताया था कि सब पूरा तैयार हो गया है और वास्तविकता ये है कि भारत सरकार ने जो जिन गरीब लोगों के लिए इसका पैसा इतना पैसा दिया है उसका गरीबों को आज की तारीख में लाभ मिल नहीं रहा और चेयरमैन ने इसमें जनता को गुमराह किया और हमारे जनप्रतिनिधियों को गुमराह किया है। मेरे वार्ड में वार्ड नंबर 45 में जो भी शौचालय बनाया अभी है ना, उसमें रहते हैं न तो सीवरेज में कोई कनेक्शन हुआ ना फिर उसमें बिजली सेफ्टी टैंक खोदा एक उसका सीवरेज में कनेक्शन नहीं किया और एक सेफ्टी टैंक जो खोदा है उसमें ऊपर भी ढक्कन नहीं है। मेरे वार्ड में जो कच्ची बस्ती में 16 शौचालय बना है उसमें छोटे छोटे बच्चे बच्ची गरीब मजदूरों के बच्चे बच्ची रहते हैं उसको ओपन कर रखा है। कोई का बच्चे बच्ची अगर कोई उसमें गिर गया तो मरने का और अंदेशा बना हुआ है वहाँ पे और लोकार्पण उसका नगर परिषद के अंदर ही कर दिया, ना कि वहाँ जाके कोई पट्टिका लगाई, ना वार्ड वासियों को जताया कि भाई यहाँ शौचालय तुम लोगों की सुविधा के लिए बना है ना, आम गरीब मजदूरों की सुविधा के लिए बना है। और बोरिंग लगाई तो उसमें बिजली कनेक्शन भी नहीं है, अब पूरा काम अधूरा पड़ा हुआ। एक शौचालय की नई दीवार जो बनी है उसके अंदर ही आते हैं वहाँ एक सुअर और कुत्ते बिल्ली ने एक वो बना लिया सुरंग बना दी सुरंग। वो कल पत्रकार बंधु भी मेरे सवाईमाधोपुर ऐप वाले कल खुद देख के आए थे, फोटो खींच के लाए थे। उसने ठेकेदार ने तो बना के उसका काम पूरा कर दिया, बस अपन को पैसे से मतलब, और जो बाद में चाहे वो टूटे फूटे चाहे कैसा भी हो उसका काम उसने निकाल लिया और तो नहीं। और पूरे वार्डवासी मेरे को ओड़म्बा दे रहे हैं, न तो भाई साहब ये बोरिंग चल्लू है, हम गरीब बस्ती में कच्ची बस्ती में रहते हैं, अगर ये बोरिंग भी चल्लू होती है ना तो हमको अभी गर्मी में पीने का पानी मिल जाता, ऐसा सब कुछ वो वार्डवासी मेरे से कहते हैं। और उसको ढांचा खड़ा करने से कोई मतलब नहीं है वहाँ पे। मेरे वार्ड में तो विधायक चुनाव के टाइम ही आई थी, उसके बाद एक वादा भी किया था विधायक ने कि ये कच्ची बस्ती है जीजी क्वार्टर जो मेरा वार्ड है और पूरे ठेला छाप सीमेंट की कट्टी उठाने वाले मजदूर तत्व के लोग रहते हैं और वो उन लोगों के लिए सड़क के लिए विधायक साहब ने जब बरसात का टाइम था तो सब लोगों ने मिलकर कहा था विधायक महोदय से कि हमारे चलने फिरने के लिए कोई रोड हो, तो विधायक महोदय ने हमसे सब बस्ती वालों से वादा किया था कि आप हमारे पार्षद को जिताओ हम यहाँ पे रोड जरूर देंगे आपके लिए, है ना। वो आज तक कोई रोड भी नहीं लगी मेरे वार्ड में, एक 16 शौचालय बना बस, अब वो भी एक ढांचा खड़ा किया है, ना कि उसमें कोई बिजली कनेक्शन है ना सीवरेज कनेक्शन है। एक सीवरेज का जो टंक बना है, सीवरेज का जो टंक होता है उसमें ढक्कन भी नहीं लगा रहा, कोई बच्चे बच्ची का मरने का अंदेशा बना हुआ है। हम बार बार अखबारों में टीवी चैनलों में पढ़ते हैं कोई बोरिंग वगैरह जब गड्ढा खोद के अगर खुली छोड़ देते हैं तो कोई का मरने का अंदेशा होता है। ऐसे सेफ्टी टैंक कम से कम 15-20 फीट
नीचे गहरा है, उसमें कोई बच्चा बच्ची मर जाएगा तो वो ठेकेदार की, संबंधित ठेकेदार की या नगर परिषद की जिम्मेदारी होगी, ना कि मेरी कोई जिम्मेदारी ना वार्ड वॉच होगी। ये अगर आम पब्लिक के बीच में जहाँ शौचालय बने वहाँ पे जाकर अगर विधायक या सांसद महोदय वहाँ जाके वो उद्घाटन करते तो कम से कम पब्लिक के बीच में इनकी वाहवाही होती और सब पार्षदों की वाहवाही होती, भाई पब्लिक हित के लिए बहुत बढ़िया शौचालय बना। अब ये बंद कमरे में जो हमारे नगर परिषद में जो सातों पट्टी का लगा के वहाँ उद्घाटन करा तो ये मेरे को और मेरे को अच्छा नहीं लगा, अंधेरे में रखा वो। ये मतलब पब्लिक हित में अगर कोई काम अच्छा आपने किया है तो वहाँ मतलब जाके उसका उद्घाटन करते तो पब्लिक में भी विधायक की और एमपी साहब की और पार्षद की सबकी वाहवाही होती, ना कि वहाँ सातों पट्टी का वहाँ रख के उद्घाटन करा वहाँ कोई वाहवाही नहीं हुई। ये लोकार्पण अपने विधायक मोदी के द्वारा हुआ है, जहाँ तक हमारी जानकारी में नहीं था, इसकी उद्घाटन होने के बाद ही पता चला कि इसका उद्घाटन हो चुका है। बाकी कार्य सारा पूरा है, पट्टिका भी अब गड़ जाएगी है ना, और कुछ बस पानी का कनेक्शन नहीं हुआ और सारी सुविधा ठीक ठाक है। अब इसको देखो एक हफ्ते का नाम लिया हमें, अब कब तक करते हैं इस जानकारी में अभी कोई खबर नहीं। अभी ये तो देखो क्या पता, मना तो किया था भाई सातों जगह जाने के लिए टाइम नहीं है। बाकी हमारी इच्छा भी यही थी कि विधायक महोदय हमारी बस्ती में आए और इसका उद्घाटन हम खुद करवाए, ये इच्छा हमारी इच्छा की इच्छा ही रह गई, पूरी नहीं हो पाई। तब बिना कहे ही कर दिया तो इसमें हम भी क्या कर सकते हैं। देखो सभापति के बिना तो जहाँ तक जानकारी मेरी है कि यहाँ के अधिकारी बोलेंगे तब जाके तो विधायक महोदय को पता चलेगा कि भाई यहाँ पे कार्य पूरा हो चुका है। विधायक महोदय को तो इन्होंने कहा है, गुमराह किया है, तो विधायक महोदय ने एक साथ उद्घाटन सबका कर दिया, क्या कमी है क्या नहीं है वो सारी कमियां पूरी करके उद्घाटन करा दिया गया। कमियां तो पूरी नहीं हुई अभी तक तो ये तो पता, बाकी बता के अपने उसमें कर दिया है पूरा कि भाई हो गया फॉर्मेलिटी। बाकी हमारे दोनों कॉम्प्लेक्स में भी कमी है, शुरुआत में जब इलेक्शन हुए थे विधायक मोदी जी के तभी आई थी, उसके बाद हमारी बस्ती में एक बार भी उनका आना नहीं हुआ। और शौचालय के उद्घाटन से हम उन्हें बुलाना चाहते थे कि भाई दोनों कॉम्प्लेक्सों पे आए, पूरी बस्ती इकट्ठा हो और जो भी हमारी इच्छा वो भी रख सके, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सांसद के बारे में तो क्या कहना, उन्होंने कभी दर्शन ही नहीं दिए, बस कहीं आने जाने में मिलाप होते थे। बाकी कॉम्प्लेक्स की इच्छा थी ये तो हमारी रह गई। इसी बोर्ड नगर परिषद बोर्ड का ये नया बोर्ड बना है, इसका पहला काम ये स्वयं ये अपने रेगर में लेंगे हुआ सार शौचालय है, इसको कम्प्लीट हुए 2 साल हो गए, अभी तक न तो इसमें पानी की व्यवस्था है न कोई लाइट की व्यवस्था कुछ भी नहीं है, न साफ सफाई की व्यवस्था है बिल्कुल भी। इसको ले देकर हमने चल्लू करवाया, इसमें 8-10 हज़ार रुपये हमने लगाए जेब से, सफाई की हमने जेब से और उसके बावजूद भाई 1 महीने में टैंक भर गए, अभी ओवरफ्लो होकर रोड पे जा रहा पूरा पानी, गंदी वाड़ा फैल रहा पूरा, महामारी फैल रही पूरी। अभी इसको इसके लिए हमने सबसे कह दी, MLA साहब से भी कह दी, सबसे कह दी मैंने, चेयरमैन साहब से कह दी, कई बार कह दी, पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा इस पर। अब ये तो उनको मालूम क्या दे, क्यों ध्यान दे रहे। मैंने जिला कलेक्टर महोदय को भी दे दिया, उन्होंने नोटिस पहुँचा दिया उसको, आयुक्त साहब को, आयुक्त साहब ने उसको ठेकेदार को पहुँचा दिया नोटिस, पर कोई मतलब इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। जितने भी शौचालय बने ना अभी कोई भी शौचालय चालू नहीं है इस मोहल्ले के अलावा, रेगर मोहल्ले के, ये भी हमने चालू करवाया, इसको 1 महीने तक चालू किया अभी बरोबर। हमारे यहाँ देखो वार्ड नंबर 37 है तो उसमें जो शौचालय तो बन गया, अब उसमें जो है अभी तक न तो मोटर चालू हुई, पानी बंद है, टंकी वंकी ऊपर रखी है लेकिन पानी है ही नहीं, उसमें ताला लग गया हुआ शौचालय के। अब पब्लिक को तो तभी मिलेगा कि भाई चालू हो जाए वो, आम जनता को तो तभी फायदा होगा ना, बिल्कुल फायदा होगा, चालू होगा तो फायदा होगा, चालू नहीं तो काहे को फायदा। पार्षद तो आके मिले नहीं अभी हम इससे, पहले आए थे, पार्षद आएंगे तो बताएंगे क्या बात। इस मामले में ये कहना है क्योंकि महिला वगैरह छोटे छोटे बच्चे वगैरह जाते हैं जंगल में तो जल्दी से जल्दी चालू किया जाए इसको, क्योंकि कई तरह के जानवर आते हैं और सुबह तक डोलते हैं 5 बजे तक, और कई महिला 5 बजे तक 4 बजे ही चल जाते। उद्घाटन कर दिया कंप्लीट है लेकिन ये चालू क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है इसका? इस मालूम में कई आदमी जाते तो हैं नहीं, लेकिन यहाँ से 10 आदमी जाते ना तो एक ही आदमी पहुँच पाता है वहाँ पे, तो एक आदमी कोई सुनाई नहीं देता है, कौन सुनेगा वहाँ? फायदा ये होगा ना क्योंकि जंगली जानवर आते हैं यहाँ पे नहीं, तो मान लो कोई हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार है? ये शौचालय बना दिया तो इसको जल्दी से जल्दी चालू किया जाए। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इस रिपोर्ट के बाद नगर परिषद प्रशासन, स्थानीय विधायक और सांसद स्वच्छ भारत मिशन को किस तरह साकार करेंगे और सामुदायिक शौचालयों में सुविधाएं जुटाकर स्थानीय लोगों को शौचालयों का लाभ किस तरह से दे पाएंगे।